अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मेरा नाम जैनिद्न है और मैंने अपनी एम डी कैट की प्रेजन आई बी एकर से की थी एंड आई गॉट वन एटी वन मार्क्स इन माई एम डी कैट एंड गॉट एडमिशन इन टू डाउ मेडिकल कॉलेज विद मेरिट नंबर ऑफ़ वन एटी फाइव अच्छा यार तुम लोगों से मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी मुझे सर मेरे पास सरद नान का और सर जुनीद का मैसेज आया था तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि जो अगर तुम लोगों ने ग्रेंटर्स दिए हों और उसमें अगर तुम लोगों के नंबर कम हो जैसे 110, 120, 130 तक की रेंज में हो तो उससे डिसट्ट होने की ज़रूरत नहीं है जब मैं भी पढ़ता था और मेरे भी दोस्त पढ़ते थे तो हम लोगों के भी इतने ही नंबर आते थे 140 से कम ही आते थे बल्कि और हम लोगों के जो फाइनल एम्डिकेट वो उसमें 170 हैं एक सौ अस्सी हैं कुछ के 190 भी हैं तो उससे डिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है असल जो तुम्हारी वैल्यूशन होगी वो पास पेपर से होगी अगर तुम लोग के पास पेपर में नंबर कम आ रहे हैं तो फिर थोड़ी टेंशन की बात है लेकिन पास पेपर में तुम लोगों के डिसेंट नंबर आ रहे हैं जैसे एक सौ सत्तर एक सौ साठ से एक सौ सत्तर आ रहे हैं या एन टी एस के अगर तुम लोगों ने पेपर सॉल्व किए हों उसके सौ नंबर का पेपर होता था उसमें अगर तुम लोगों के सत्तर से अस्सी के दरमियान आ रहे हैं तो, तो बहुत अच्छी तैयारी है तुम लोगों की एंड में मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम लोगों का दस दिन बाद तुम्हारा पेपर है तो एक चीज़ मुझे बतानी थी कि आखिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले तुम लोग ना मगरब तक तैयारी जितनी करनी है मगरब तक करना उसके बाद मगरब बाद छोड़ देना बिल्कुल तैयारी और कुछ पढ़ना ही नहीं बिल्कुल रिलैक्स हो जाना और एग्ज़ाम से एक रात पहले तकरीबन तुम लोगों को सात से आठ घंटे अपनी नींद पूरी करना लाजमी है ठीक है सात से आठ घंटे सोना लाजमी है उसके बाद जो आ, सर तुम्हें सरअ नाना ज़्यादा अच्छा बताएंगे कि कब पहुँचना है एग्ज़ाम टाइम के लिए वो ज़्यादा अच्छे से गाइड कर देंगे बस यही बताना था और हम लोगों की दुआएँ सब दवाएँ साथ हैं इन बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एम डी कैट एंड टेक केयर दुआ में याद रखना अल्लाह हाफ